हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आईजी प्रिंटर आशुतोष शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आईजी प्रिंटर मतलब इंटरनेट जनरेशन। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। किसी की डिमांड थी कि सर मुझे कुछ चीज़ बनाना है तो कैसे करूँ, तो मैं उनके लिए विशेष करके उनके लिए बनाया हूँ। मगर मैं चाहता हूँ आप सभी भाई बंधुओं आप भी देख के सीखें। जिन्हें नहीं आता ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, उनके लिए फर्स्ट चांस है कि बहुत अच्छी चीज़ विस्तार पे मैंने समझाया है किस प्रकार से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो खास करके उस भाई के लिए जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र मुझे मेल किया, मुझे व्हाट्सएप पे बात की उन्होंने कि सर मुझे ये चीज़ करना है और मुझे बहुत अर्जेंट है तो आप कर देंगे। तो मेरी उनसे कल बात हुई थी, तो जो कि उनके लिए मैंने आज वीडियो बनाया है। तो आइए आप भी देखिए और सीखिए। और ख़ास करके मैं बोलूँगा जो नए व्यूवर्स मेरे आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थम्स करिए और आप ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको जैसे अपडेट हो आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है आप लोगों को। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप इनसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट वाले फ़ायदा उठा पाएँ। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, और चलते हम किस प्रकार से हमने आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम एक आई कार्ड का कर रहे हैं जो कि उनके लेज़र मशीन से कटेगा। तो बने रहिए, कंटिन्यू देखिए। कम से कम ये 35 मिनट्स का एक वीडियो है और पूरा देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। अगर आप स्किप करके भी देखना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो हम सबसे पहले कोरल ड्रॉ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा कोरल ड्रॉ चालू हो गया। आप देखते रहिए, ये हमने इमेज जो डाउनलोड किया था, एक बार फिर से आपको दिखा दें कि ये उनका मेल आया हुआ है, हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। इस फाइल को हम खोल लेते हैं। देखिए फाइल है, दिख गई आपको। इसे हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये WP पे था तो ये इमेज JPG नहीं आया था। तो हम इसको, मैं शायद मेरा कोरल हैंग हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं, लाइसेंस ही है तो क्या हुआ, कभी कभी दिक्कत दे देती है। तो एक मैडम इसको एक बार बंद करके चालू करेंगे। तो कंट्रोल आल्ट एंटर हमने कर लिया, कोरल बंद किया। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम कोरल को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने स्टार्ट किया, न्यू पेज लिया, RGB ले लिया हमने और इसको यहाँ पर पेश कर देते हैं। जेली को सॉरी कॉपी और ये हमें यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे। तो आप लॉक करके या परसेंटेज कर दीजिए तो ये साइज़ छोटी जाती है। फिर यहाँ पर आपने इसको भी ले आया लाइन का फ़ोटो जिनके कार्ड में लगा हुआ था। तो हम लाइन का ये फोटो हो गई अपना ये, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो चीज़ हम बना रहे हैं वो आजू बाजू रखना बहुत ज़रूरी है और इसको हम क्रॉप कर लेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, लॉयन की फ़ोटो ये हो गई, यहाँ गए। साइज़ पहले हम ले लेते हैं जो हम PC कार्ड छापते हैं उस साइज़ का, कि पार्टनर उनका सेम साइज़ में कटे। तो हम पहले एक आई कार्ड का साइज़ का फ्रेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके। देखिए ये हमने कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर दिया, ये हमारी फ्रेम है। तो इस फ्रेम में जब हम प्रिंट करते हैं तो बराबर प्रिंटिंग होती है और बाद में हम इसी का लेआउट मतलब कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो इसको पहले हम क्रॉप कर लेते हैं, सॉरी जूम, फिर उसके बाद हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप जैसे हम करेंगे उतना ही लेंगे और डिज़ाइन हम इससे बढ़कर बनाएंगे क्योंकि जब प्रिंट हो तो कहीं पर भी डिज़ाइन हमारा वाइटनेस ना आए। तो हम पहले साइज़ को यहाँ जमा रहे हैं, देखेंगे आप यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर ला के रख देते हैं और कॉर्नर से मिलाएंगे हम नीचे लेके और इधर नीचे से हम खींच देंगे कि बराबर कॉर्नर पर आ जाए ताकि हमारे को दिक्कत ना आए। साइड से हम खींचेंगे, देखिए वहाँ तक पूरा ले जाइए लास्ट तक कि थोड़ा ठीक लगे। ये हो गई, सब बराबर है। अब यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, अब इस पर हमको डिज़ाइनिंग करनी है।
तो डिज़ाइनिंग आप देखिए किस प्रकार से हम करते हैं, और जितनी भी हम इसे पेन के माध्यम से डिज़ाइन करेंगे, पेन का काम है मेन इसमें, तो पूरी डिज़ाइनिंग आप देखिए पेन के माध्यम से हम इसमें जमाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्रॉप हम उसको बैकग्राउंड्स का हटा लेते हैं, जो लाइन था तो लाइन पहले सेलेक्ट किए, ये आ गया लाइन, लाइन का हम बैकग्राउंड इरेज कर रहे हैं, ये इरेज हो गया, डाउनलोड हो गया, जैसा कि आपने आज तक देखिएगा फोटोशॉप से अपन इरेज करते थे, मगर अब शॉर्टकट हो गया, तो हम जितने भी ऑनलाइन करते हैं इरेज क्वालिटी बरकरार मिलती है। तो अब इसको लाइन को हम उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, लाइन को पहले सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चे का राउंड शेप में बनाएंगे जहाँ फोटो लगता है, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मैं CDR फाइल दे दूंगा कि ताकि काम इजी हो जाए। ये हमने बॉक्स ले लिया जहाँ पर बच्चों की फ़ोटो आएगी, इसको वाइट कर लेते हैं। अभी हम कोई टेक्स्ट नहीं डालेंगे, हम अभी मेन काम है कि जितना भी पीछे का झाड़ वाड़ नीचे का बैकग्राउंड शेडो सब चीज़ हम कंप्लीट बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो देखिए हमने लाइन का प्रयोग करते हुए हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि हमको पहले ग्रीन जहाँ पर जो ग्रीन है हम उस हिसाब से लेंगे, फिर लाइट ग्रीन लेंगे, डार्क ग्रीन लेंगे, पेड़ लेंगे लेंगे, तो आपको जहाँ से समझ आता है पहले वो पार्ट को बनाइए, क्योंकि मेन है पार्ट टू पार्ट जो हम बनाते हैं, उसके बाद एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है कि सेम हमने उस प्रकार से बनाया। तो आप देखिए बने रहिए और इस चीज़ को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एक बार आपको समझ नहीं आता है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में होता नहीं है, आप जितनी बार उसको देखते हैं उतना आपको सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से काम हुआ। तो देखिए आगे का लाइन किस प्रकार से इसमें बन रहा है, और आप पूरा लाइन जहाँ तक आपको समझ आता है वो लाइन बनाते जाइए, जो जो चीज़ आपको समझ आता है पार्ट बनाइए, बाद में उसको कलर करिएगा जिस प्रकार से मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ भी मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ लाइन आर्ट का खेल है, तो लाइन आर्ट आप जितना बनाते जाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होती है, हर चीज़ पेड़ पौधे झाड़ियाँ उसकी सब बनाइए, क्योंकि आप जब क्रिएट करते हैं डिज़ाइन तो उसकी प्रिंट आउट जब होती है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आप किसी इमेज को डाउनलोड करते हैं अगर अच्छी क्वालिटी ना हो तो उससे मज़ा नहीं आता। देखते जाइए कहीं से आपको कोई, मैं अलग टूल्स का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें लाइन टूल्स का ही उपयोग कर रहा हूँ। देखिए मैंने डार्क ग्रीन लिया, लाइट ग्रीन लिया, उससे लाइट ग्रीन लिया, फिर येलो लिया और इसको ब्लैक में ले रहा हूँ। तो हर चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर आपको कौन सा कलर लेना है, और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है तो सबसे पहले यही एक तरीका है जिसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हो, आप छोटे 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 आइटम बनाना सीखें, और वो चीज़ बनाने के लिए तरीका है गूगल से इमेज डाउनलोड करें और उस इमेज को सेम टू सेम बनाना सीखें। अगर आप सेम टू सेम वो डिज़ाइन बना लेते हैं मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए तैयार हैं, फिर उसके बाद आप अपने मन से आइडियाज़ लाएंगे कि मैं ये चीज़ बनाऊँ वो बनाऊँ, तो वो आपकी मेहनत रहेगी। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो सबसे पहले आप नकल करें, और नकल के लिए अकल लगाएं कि गूगल से इमेज डाउनलोड करें, उस इमेज को सेम टू सेम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखते जाइए हम जो बना रहे हैं, थोड़ी टाइमिंग लग रही है मगर आपकी डिमांड पे हमने ये काम किया, तो ये सोचिए अगर हम आपके लिए टाइम थोड़ा सा निकाल रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें लोगों तक, और सीखने की कोशिश करें। आपके मित्र भाई बंधु जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनको सिखाइए, उनके तक फॉरवर्ड करिए। अगर उनकी कुछ डिमांड होती है, सर मैं इस आई कार्ड के जैसा मैं कुछ वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, मतलब जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, मेरे सीखना चाहते हैं, वो मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे ये चीज़ सीखना है, तो मैं यहाँ से उनके लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा ताकि वो भी
हमारे फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए कितनी बेहतरीन बन रही है। अभी तो ऐसा लगता है, मजाक लगता है कि जो हम लाइन कर रहे हैं ये क्या मतलब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मगर धीरे धीरे जब ये चीज़ बन जाती है तब बोलते हैं वाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग भी छोटा छोटा चीज़ बनाओ। ये तो थोड़ा बड़ा ही काम है कि हम आई कार्ड में पूरी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं, पेड़ पौधे सब चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक 2D डिज़ाइन है। अगर आपको 3D डिज़ाइन करनी है तो और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा चीज़ इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप मेहनत अच्छे से करिए ताकि आप सीख सकें। और मर्ज करना मेन बात है कि आप जब सब चीज़ बना लेते हैं तो उसको आपस में कैसे मर्ज करें कि वो एक अच्छी क्वालिटी आपके सामने बनकर आए। तो सबसे बड़ी वही बात है कि मर्ज करना। तो हम जो काम करते हैं उसको देखिए किस प्रकार से हमने काम किया, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आता तो और आगे धीरे से बढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उतने पे रहें। आप धीरे धीरे प्लानिंग करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना बिना काम किए तो कुछ नहीं होना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, बढ़ते जाइए और देखते जाइए कि हमने कैसे क्या क्या चीज़ बनाया। और आपका स्टेप बाय स्टेप से ही बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। तो बने रहिए, देखते रहिए। कहीं भी कोई तकलीफ़ आती है आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कौन सा वर्जन कोरल में इसका वो चाहिए मैं दे दूँगा, कोई ये सब बात नहीं है। बस आप सीखते हो तो मुझे खुशी होती है। तो सीखना और सिखाना बहुत अच्छी बात है। आज आप सीखिए, कल आप किसी और को सिखाइए तो मुझे और खुशी मिलेगी। तो फिलहाल देखती है इसको, वॉच कीजिए कि हम कहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। बहुत जरूरी यही है कि गौर से इस चीज़ को देखें। तो गौर करने वाली बात यही है कि जब आप गौर करते हैं काम पे तो आप कुछ चीज़ सीखते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं सीखने से, मैं तो तब तक नहीं बोलता किसी को कि आपके जब मन में लगेगा आपको सीखना है तो आप सीख सकोगे। आपको ज़बरदस्ती कोई सिखाना चाहेगा तो आप कभी नहीं सीख सकोगे। तो देखने में कुछ नहीं जाता, आप देखिए। अगर देखने वाला आपको लगता है हाँ मुझे सीखने की इच्छा है तो उस दिन सीखिए, नहीं तो ऐसे में कोई भी आपको बोलते रहेगा और आप कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपकी दिल की इच्छा ही नहीं सीखने की, तो क्या करोगे। तो सीखने के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने जो बेस तैयार कर रहे हैं, अभी हमने येलो कलर डाला ऊपर के अपने पेड़ पौधे, देखिए किस प्रकार से हमने बनाए। और ये वाली जो भी ब्लैंक है इसको भी हम एक ग्रीन कलर देंगे। अब यहाँ तक सारे डिज़ाइनिंग हमने कंप्लीट पार्ट किए हैं। तो टाइगर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना, टाइगर को ऊपर करना है। और जो गोला अपन खींचे हैं उसको ऊपर करना है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ के बाद हम आएंगे इसके कि ब्रल करना। तो ब्रल होता कैसे है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पीछे का सब सीन को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमको काम आगे करना है किस प्रकार से मर्ज करना है। तो ये हमारा ग्रीन येलो सबकी लाइन हटा देते हैं अपन, क्योंकि लाइन रहती है तो एक अजीब टाइप का लगता है। अब आप भी सोच रहे होंगे येलो कलर का ये डब्बा बना दिया है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब ये देखिए हम इसको ट्रांसपेरेंट जो बोलते हैं वो कर दिए, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा डार्क दिखे, ठीक। ये आ गई अब ग्रीन की पारी। तो हम सोचते हैं कि ग्रीन को ब्लर करना ही बेटर लगता है। तो हम सबसे पहले चलेंगे इसको ऊपर ले लेते हैं। और भी हमारे पार्ट्स हैं जो कि कहाँ गया, यहाँ का हिस्सा बनाना है। देखिए ऊपर वाइट वाइट हो गया, इसको भी हमको रेडी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर पकड़ेंगे, पीछे हमने बना दिया,
तो डाल दिए। अब यहाँ थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे ग्रीन और येलो ऐसा कुछ हो जाए तो हम साइड का कुछ बना लेते हैं। टाइगर को ऊपर करो और जूम लगा लेते हैं दोनों को कि हमें समझ आए कि दोनों में क्या चीज़ है। इधर साइड से इसको तो हमने ये किया और तो लाइट से डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ठीक है सब पौधे आ गए, सबका लाइन हटाना है, लाइन ब्लैंक कर लिए, देखते रहिए। तो आगे हम चलते हैं, एक चीज़ को पॉइंट पकड़ के देख लेते हैं इसको, थोड़ा डार्क लाइट जो करना है। तो हमें मेन मकसद ये है कि इसको थोड़ा ब्लैक है तो ब्लैक को थोड़ा वो इफेक्ट डाल देते हैं कि ग्रीन टू ब्लैक हो। तो इसके लिए हम मारेंगे F11 खाली मारेंगे, F11 मारने से ये आ जाता है। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। ठीक है तो लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो किया था ठीक है, और इसे साइड में दिखाता भी आप इससे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो आप देखिए की बातें आ रही हैं, लाइन को साइड कर लेते हैं, टाइगर हो गया, थोड़ा सा साइड से क्रॉप है वो सब वो कर लेते हैं, लाइन हटा लेते हैं। ठीक है हम इसको गए, इसको थोड़ा सा ब्रल करेंगे, ब्लर मोशन। ठीक है थोड़ा सा इसको फैलाएंगे, देखो पीछे धुंधला हो गया, ओके इतना ठीक है। अब इसी प्रकार हम सबको हल्का हल्का ब्रल करेंगे, इकट्ठे ब्रल होते नहीं हैं, फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं यही सब एक साथ हो जाए, बट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको कम करेंगे ब्लर में, सिंगल सिंगल ब्लर देखते जाइएगा कैसा ब्लर करना है आपको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्लर करते हैं तो पूरा फैल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो कम ब्लर करें कि आपसी एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा तो आपके लिए बढ़िया है। तो धीरे धीरे हर किसी को हम ब्लर करते जा रहे हैं तो आप देखिएगा। ठीक है हम इसके एक एक पेड़ पौधे सबको ब्लर कर देंगे। ब्लर करने से आपसी क्वालिटी आपको जो मैं बताया मिक्स हो जाती है, अच्छा हो जाता है। तो उस चीज़ को देखिए, एक एक चीज़ को करते जाइए ब्लर। और तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते जा रहे हैं और आपको खुद समझ आते जाएगा इसमें हमने क्या क्या चेंजेस में किया। तो इसमें हमने ज़्यादातर आपको समझाया ही, हमने कभी कोई अलग टूल्स का हमने प्रयोग नहीं किया, खाली लाइन टूल्स का प्रयोग किया। और लाइन टूल्स के बाद हमारा कलर्ड लिए, कलर्ड के बाद हमने ब्लर किए, ब्लर सिवा हमने इसमें कुछ नहीं किया। तो आपको हर चीज़ समझ आएगा। और इसको देखिएगा बाहर तक फिल्म हमने निकल रही, हमने अभी लॉइन के पीछे का कुछ मिसिंग हमारा हो गया था तो हमने उसका डिज़ाइन बाहर साइड से कर रहे हैं। तो हमने इसको करके हम उस जगह में उस पोजीशन में बैठाएंगे कि ताकि अपना काम हो सके। तो आप देख रहे हैं ये हमने बनाया, और कलर भी हम वैसे ही देंगे कि ऊपर डार्क ग्रीन और नीचे थोड़ा लाइट ग्रीन रखेंगे। तो क्या होगा वो उससे मर्ज हो जाएगा। तो जब हम दो कलर को मिक्स करते हैं उसके लिए हमारे पास कमांड होता है F11 जो होती है वो दो कलर को आपसी मिक्स करती है।
तो आपको ध्यान रहे सब टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे और पूछ सकते हैं क्या चीज़ बनाना है। एक एक डिज़ाइन आप बनवाइए, देखिए। हाँ, इसको देखिए, जो ऊपर अपन जो कटिंग के लिए बना रहे हैं इसको मर्ज कर रहे हैं, तो उसको मर्ज करने का होता है दोनों आइटम बुक क्लिक करो और उसमें कंबाइंड होती है, कंबाइंड कर देते हैं तो कंबाइंड हो जाता है वो। ठीक है, इसको हमने ऊपर ले गए, यहाँ पर जमा दिए, इसको हमने वाइट कलर कर देंगे, है ना, वो क्योंकि वो कटिंग होगी, यहाँ पर होल्डर टंगेगा, और ये वाला आता है तो इसको हम ग्रीन कर लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले इसको सिंगल करना है हमारे को अलग से, ठीक है। तो ये सिंगल हमने लिया, इसको ग्रीन डार्क ग्रीन कर लिए, F11 मारेंगे, F11 जैसे हम क्लिक करेंगे डबल कलर के लिए मार्ज होगा, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे इसका, देखिए हमने पीला कलर कर दिया तो ये ग्रीन टाइप का दिख रहा है, क्योंकि दो कलर मिक्स होता है तो वो थोड़ा अलग दिखता है, तो हमने इसको कर दिया। अब यहाँ से ओके करेंगे, ओके कर दिया। अब इसको हमको पीछे लेना है तो टाइगर और उसको हम वो करेंगे, तो दोनों को हम अप कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्लर करेंगे तभी अपना जान आता है उस प्रोडक्ट में कि दोनों मिक्स हो जाती है, ब्लर किए बिना कुछ मज़ा नहीं आता है। तो अब देखिए, हमने ऊपर का भी ये बना रहे हैं कि हमको यहाँ से दो कलर मिक्स करनी है, क्योंकि जो ग्रीन के साथ एक और कलर मिक्स होगा तब वो अच्छा दिखेगा। तो हम थोड़ा उसको येलोइश कर देंगे थोड़ा सा कि वो हो जाए, और उसको मिक्स करेंगे। देखते रहिए, ये हमने उसको बराबर मिला दिया कान तक, और इसको यहाँ से हल्का ब्रल करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर लिए। ठीक है, देखते जी, यहाँ से अब इसको बैक करेंगे तो टाइगर और एक गोले को हम ऊपर ले आए, अप कर लिए। और ये देखिए, इसको उसको ऊपर लेना है, ऊपर आ गया वो, तो यहाँ से थोड़ा ब्लर करेंगे इसको, क्योंकि ब्लर के बिना मज़ा नहीं आता। तो मोशन ब्लर देखिए ये हो गया, तो इससे क्या होती है, दो कलर आपस में मिक्स हो जाती है जैसा कि हमने बताया आपको। और इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कितना पॉइंट देंगे हम, क्योंकि ये मत देखिएगा कि पॉइंट चला रहे हैं, कहीं कुछ कम पॉइंट कहीं कुछ ज़्यादा पॉइंट देना पड़ता है कि वो कलर मिक्स हो जाए। तो ऐसा धीरे धीरे बनाना पड़ता है, तो ये चीज़ है। देखिए, हमने ऊपर का ब्लर कर दिया, आपको बताया सो ट्रांसपेरेंट मिक्स कलर जो आती है कलर सेटिंग के लिए। अब यहाँ से देखिए येलो कलर ले लिए, मिक्स कर लिए, मिक्स करेंगे आप, तो ये येलो और ग्रीन हो गया मिक्स आपस में, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था। तो मेन चीज़ देखना आपको इमेज को कैसे कैसे क्या से सेट करना है, आपको सेम वैसी आपको लेना पड़ेगा। तो ये मेन अपना है कि सेम डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सोचना है, वैसे ही बनाना है, कहीं से कोई चेंजेस नहीं करनी है, ताकि आपका काम परफेक्ट हो जाए और आप अच्छा डिज़ाइनिंग करना सीखें। तो देखते रहिए, देखिए हमने कितना परफेक्ट तरीके से बना दिया। इसको सबको अब हम बॉक्स के अंदर में डालेंगे,
फिर बॉक्स के अंदर में डालेंगे पावर क्लिप करके, तब ये कुछ इस प्रकार दिखता है। पावर क्लिप करना एक ड्रॉप से भी होता है और एक राइट क्लिक करके पावर क्लिप से भी होता है, वो आपके ऊपर होता है आप किस प्रकार से पावर क्लिप करते हैं, वो डिसाइड आपको करना है पावर क्लिप आप किस प्रकार से करें। तो देखते रहिए किस प्रकार से हमने पावर क्लिप किया, क्या किया, कैसे उसको सेट करना है। थोड़ी बहुत सेटिंग और रहती है जिसको हमको वो करना रहता है। देखिए कैसे कैसे हमने इसको जमाया, क्योंकि कोई कितना भी बोले करना तो आपको है, अपने हिसाब से करना है। तो आपको सोचना आप क्या करना चाह रहे हैं, तो बस करते जाइए। डिज़ाइनिंग हमारे आपको गाइड के लिए बैठे हैं, कभी भी कोई दिक्कत आती है हमें हम कॉल कर सकते हैं, कोई हम हमेशा सबके सपोर्ट में रहते हैं। लाइन देखिए हमारी गाइडलाइन पे ही काम करते हैं, क्योंकि लाइन जब ये प्रिंटिंग होगा तो हमने प्रिंटिंग एरिया अंदर वाला है और बाहर तक हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई भी डिज़ाइन ख़राब ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। डिज़ाइनिंग प्रॉपर रहे इस कारण हम इसको करते हैं कि कहीं से मिस्टेक ना हो। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें और इस चीज़ को बने रहें कि किस प्रकार से काम करना है, वो देखते जाइए कि हम किस प्रकार से इसकी काम कर रहे हैं। देखिए टायर लाइन आ गया, लाइन के हम ये आउटलाइन बना रहे हैं इसलिए कि जो हमारे भाई साहब हैं वो इसको लेज़र मशीन से कटिंग कर पाएँ, तो उनके लिए हम ये आउटलाइन बना रहे हैं। तो उनसे विशेष करके रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को आप गौर से देखिए कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेन आपके लिए हम बनाए हैं वीडियो, और आपको ही समझ नहीं आया तो क्या मतलब, ये लाइन आपको ये लाइन से ही आपका लेज़र से कटिंग होगा, तो इस पार्ट को जरूर ध्यान से देखें कि आपको कैसे कटिंग करना है, ठीक है। हम आपको तीनों फ्रेम दे रहे हैं कि कैसे उसको करना है, कैसे डिज़ाइन पे है, कैसे आपका मेन तो आपके लिए जो था कटिंग, पर समझ कैसे आएगा करके हमने आपके लिए पूरा वीडियो बनाया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि डिज़ाइनिंग के ऊपर कैसे हम लाइन आर्ट करें कि आप उस लाइन आर्ट को काट सकें। तो आपसे विशेष करके ये बात है कि आप इस चीज़ से गौर करिएगा ना। तो ये देखिए टाइगर जो हमने बनाया है, अभी ये लाइन आर्ट इसमें बना दिए, मगर हम लाइन आर्ट अलग निकाल के दिखाएंगे, इसमें टाइगर हटाएंगे और जो लाइन आर्ट हिस्सा बचेगा वो हिस्सा मेन आपका काम है। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके फ्रेम हटा देंगे, रिमूव फ्रेम। अब ये जो आपका आया है इसी को आपको काटना है, किसी और को नहीं काटना है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कटिंग होगी, चाहे आप लेज़र में काटिए, चाहे आप प्लॉटर में काटिए, जिसमें भी आपको काटना है आप उसमें इस लाइन को काट सकते हैं। तो ध्यान रखिए काम करते समय कि आपको क्या करना है। अब इसके बाद हम आता है कि फिलअप, जो फिल करना है हमको कि आईडी कार्ड में मैटर टैक्स, तो हम इसको लिखते जाएंगे। हो सकता है लिखते समय कुछ मेरे से गलती हो जाए, तो फिर भी आप देखिएगा। ये हम डेमो हैं, इसे किसी की पर्सनली डिटेल पे कोई हम बना रहे नहीं हैं, ना इसमें कॉन्टैक्ट नंबर पूरा है, क्योंकि पिछले बार यूट्यूब ने मेरा एक वीडियो उड़ा दिया था ये बोल के कि आप किसी के पर्सनली डिटेल नहीं दे सकते, तो उसके लिए मैं यूट्यूब से क्षमा मांगता हूँ, मतलब सॉरी यूट्यूब, आगे से मेरा ध्यान रहेगा। इसलिए इसमें कोई डिटेल नहीं है कि आपको किसी प्रकार से तकलीफ हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ना उड़ाएँ, क्योंकि मैं किसी को सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि किसी के पर्सनली मतलब डिटेल के लिए। तो अभी हम बच्चे का बना रहे हैं जो कि आई कार्ड डेमो है, तो प्लीज़ आप भी किसी का भी वीडियो बनाएं ये देख लें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कागज़ ना हो और उसमें उनका डिटेल ना हो, नहीं तो यूट्यूब
टीम आपको बोलने का मौका नहीं देगी, वो आपको मैसेज करके आपका फाइल डिलीट कर देगी, जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो सतर्क रहें, पूरा डिटेल देखिए हम किस प्रकार से इसका भर रहे हैं, हम किस प्रकार से बना रहे हैं। तो ये डेमो वीडियो है, तो इसको पर्सनली हम किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपना अपने रजिस्टर देखिए मैटर, तो देखिए हम ये जो लिख रहे हैं कॉमन है, आप भी लिखते हैं, तो इसको हमको सेम पोजीशन में जमाना है। और फॉन्ट भी कोशिश करिएगा आपको कि फॉन्ट सेम कर लें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम आपको बताएंगे किसी भी काम करने के लिए अगर हमको सेम फॉन्ट चाहिए तो हम किस प्रकार से वो सेम फॉन्ट खोजें। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा, तो आपको नया वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम किसी का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या मान लो किसी का बिल बुक बनाते हैं, किसी का विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, वो व्यक्ति चाहता है कि उसका सेम फॉन्ट रहे, तो वो हम सेम फॉन्ट कैसे आपको अरेंज करना है और कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से बनाना है, वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए तो आज ये देखिए कि हम इसको किस प्रकार से बना रहे हैं, आई कार्ड का कैसे कलर कर रहे हैं, कैसे आउटलाइन कलर दे रहे हैं। ये देखिए माउस के राइट क्लिक करने से आउटलाइन बनती है, माउस के लेफ्ट क्लिक करने से अंदर का बॉक्स फिलअप होता है। तो बॉक्स का बाहर का लाइन होता है, राइट से कलर चेंज होता है, और लेफ्ट दबाने से बॉक्स से अंदर का कलर चेंज होता है, जो कलर पर हम जाके क्लिक करते हैं। तो इस चीज़ को गौर से ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है, और आपको कहीं पर डाउट होता है मैंने इस चीज़ को कैसे बनाया, क्या बनाया, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें ताकि हम आपको उस चीज़ के बारे में बता सकें कि किसी प्रकार से हमने ये काम किया जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। और हम हमारे सभी सब्सक्राइबरों को कभी भी कॉल करते हैं, हम उनको सपोर्ट के लिए हमेशा रहते हैं। आप हमारे सारे सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं, अगर आप उन्हें कमेंट भी करते हैं हमारे इसमें कि क्या हम सपोर्ट करते नहीं करते, तो हमारे सब्सक्राइबर आपको ज़रूर जवाब देंगे कि हम उन्हें 24/7 कभी भी वो कॉल करते हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो आप भी बनाइए अपना वीडियो अपना डिज़ाइनिंग, और आपको जब लगे आप मुझको कॉल कर सकते हैं, कहीं तकलीफ़ हो रही है, और आप अच्छे से वीडियो बनाइए और काम बढ़िया से करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि कभी मैं आपके जैसे था और आज आप लोगों को ही सिखा रहा हूँ, तो आपसे और अच्छी मुझे एक मित्रता बन रही है। आपको सिखाने से मुझे भी कुछ ज्ञान बढ़ रहे हैं और मुझे भी चैलेंज मज़ा आता है। तो प्लीज़ देखिए समझिए किस प्रकार से ये काम हुआ, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष से हर जगह से मुझे कॉल आता है, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए लोग थैंक यू बोलते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे बोलते हैं, तो मुझे भी दिल से बहुत खुशी होती है कि आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है। तो इस प्यार को बरकरार हम रखें, और आप हमें और जितने लोग तक शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हम अपने नए नए वीडियो आपको बना के दें, और आप भी इस चीज़ को देखिए और आगे शेयर करें और फ़ायदा इसका उठाएँ। तो फिलअप करिए एक वीडियो, और इसके बाद हम एक और बनाएंगे। ये तो आई कार्ड तक हमने बना दिया, एक वीडियो हम आपको बताएंगे आईडी कार्ड ऑटो फिलअप। अभी आपने हमारे पुराने वीडियो पे देखा था ऑटो नंबरिंग बिल बुक, आज आपने देखा आईडी कार्ड किस प्रकार से बनाते हैं डिज़ाइनिंग। अगला नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जो कि रहेगा कि आईडी कार्ड में ऑटोमेटिक सभी स्टूडेंट का डाटा कैसे अपलोड हो जाता है, और फोटो किस प्रकार से हमें लोड करनी है। जो काम के लिए पूरा दिन ख़राब होता था वो एक चुटकी में आप कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब कराएं, कि मुझे आपका प्यार मिलते रहे और मैं भी इसी खुशी से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं।
तो देखिए हमने किस प्रकार से पूरा फिलअप कर दिया। अभी यहाँ पर वाइट और येलो से मर्ज हो रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके कलर को, लाइन को, कलर को करेंगे। तो इसके लिए हमने क्लिक करते हैं F12 करते साथ ही ये चीज़ आ जाती है सामने, ठीक है। तो F12 करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। आप इसमें आप यहाँ से लाइन करके वहाँ से इसको सेटिंग करेंगे तो ये पतली लाइन हो जाती है। आप वहाँ से लाइन किस प्रकार सेट करना है वो चीज़ पूरा दिया हुआ है। तो आज का हमारा मेन मकसद ये था कि हम ID कार्ड डिज़ाइन करके उसका लाइन ऐड बनाएं जिनसे हमारे महाराष्ट्र वाले भाई साहब अपने लेज़र मशीन से कटिंग कर सकें। तो हमने ये उनके लिए बना दिया। अब ये वो चीज़ लाइन आर्ट कटिंग करना, ये पूरा वीडियो देखते हैं। अगर वो छोटा सा भी वीडियो देखते हैं तो उनको समझ आ जाएगा कि करना क्या है बस, और इसके बाद अपना वो कटिंग मशीन में डाल के कटिंग कर सकते हैं। अगर उनको कोई और समस्या होगी तो और मुझे कॉल कर लेंगे। आपको भी यही चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको कुछ चीज़ लगता है मुझे इसमें ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये चीज़ मुझे जानकारी चाहिए, तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने आप सब ने मुझे इस एक महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और आपके रिस्पांस की वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर एक महीने में अच्छे खासे हो गए हैं, और आगे मैं चाहूँगा कि और अच्छे बन जाएं। तो देखिए हमने लिखा Step 1 डिज़ाइनिंग, Step 2 फिल डिटेल, ठीक है, और Step 3 है लेज़र कटिंग, है ना। तो लेज़र कटिंग बोलो या CNC कटिंग बोलो, आप जो बोलना चाहते हो, तो कटिंग लाइन आर्ट, ठीक है, तो कटिंग लाइन आर्ट डाल देते हैं। तो ये सब में काम आ जाता है, चाहे प्लॉटर पे, चाहे लेज़र पे, चाहे CNC पे, आप जिसमें कटिंग करना चाहते हैं उस लाइन आर्ट पे ही कटिंग होती है। बट ये आपको देखना है कि आप जो CNC चला रहे हैं लेज़र मशीन, वहाँ पर क्या आप पोजिशन में बैठे, तो ये लाइन पे ही वो काटेगा लेज़र। बट इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लेज़र कटिंग मशीन नहीं है, मेरे पास प्लॉटर कटिंग मशीन है जिससे मैं सेटिंग बैठा लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों थैंक यू, आप लोगों ने मेरे जो चैनल का इतना कीमती वक्त आपने दिया और आपको हमारे द्वारा कुछ सीखने को मिला, तो आप हमेशा बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।